हाँ जी, गुड इवनिंग सुमन, मुस्कान, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, जगजीत, प्रेज द लॉर्ड। अमित, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, विच क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड, विच वॉज लास्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी 3। ओके, हाँ जी, फाइन जगजीत, आप सुनाओ। हाँ जी, 23rd का क्या आंसर आएगा? हाँ जी, गुड इवनिंग जी, शुभम जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, 23rd का क्या आंसर आएगा? ए, लगता है डिस्कस कर लिया ये। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, सिविल केस, क्रिमिनल केस एंड कॉन्स्टिट्यूशन केस। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। मिसलेनियस पावर्स, एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑल्सो एज पार्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। रीनल ज्यूरिडिक्शन, एक्ट एज ए फेडरल कोर्ट। तो रीजनल ज्यूरिडिक्शन का आंसर एक्ट एज ए फेडरल कोर्ट। ये क्यों लिखा है एक्ट एज ए फेडरल कोर्ट? मैंने कल भी बहुत, हाँ जी, जैम सी कीजिए मनीष कुमार जी, क्योंकि ये फेडरलिज्म को बना के रखता है। कल यही क्वेश्चन था ना कि रीजनल ज्यूरिडिक्शन का पर्पस क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ही आप सारे सभी फंस गए थे, इसलिए ये फेडरल कोर्ट का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम फेडरल कोर्ट ही है, पता होगा आपको। हाँ जी, 24th का आंसर क्या आएगा? कहते लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट शेल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हियर कोर्ट मींस ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ जी, कहते यहाँ सभी कोर्ट में लागू होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंडर जितने भी कोर्ट हैं सारी पे लागू होंगे। ठीक है, ये किस आर्टिकल में लिखा है कि सब बाइंडिंग होगी? आर्टिकल 141। अमित, शिवम, बिल्कुल सही है जी, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। आपने वो वीडियो देख ली थी जगजीत? हाँ जी, वे देख ली थी जो मैंने सेंड की थी ग्रुप में, थोड़ा उसमें तो ज़्यादा ही डिटेल मैंने कुछ बताई है।
ठीक है। और हाँ जी, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? लॉ वाले बच्चों को पता होगा, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, और क्या नाम से जाना जाता है इसे? केस लॉ, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पता है क्या होता है? लॉ वाले बच्चे कौन है जिसने LLB की, उसे पता होगा प्रेसिडेंट क्या होता है, केस लॉ क्या होता है, पता है किसी को? इसे स्टेर डिसीसेस के नाम से भी जाता है, स्टेर डिसीसेस। क्या होता है स्टेर डिसीसेस, पता है या नहीं पता? तो शॉर्ट ही कोर्ट फॉलो करती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये क्या होता है स्टेट डिसाइसिस, शायद आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। सपोज मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, और आप भी डॉक्टर हैं, आप मेरे जूनियर डॉक्टर हैं, ठीक है। तो मान लो कोई पेशेंट आता है, ठीक है, कोविड वाला, तो मैं इनका ट्रीटमेंट, जैसे मैं उनका ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक है, तो आप मुझे फॉलो करेंगे कि मैं कौन सा इंजेक्शन लगा रहा हूँ, कौन सी मैं टेबलेट दे रहा हूँ, तो आप भी वैसे ही करेंगे। ये होता है प्रेसिडेंट। बोलो ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, बोलो दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है किसी फैक्ट के बारे में, तो छोटी कोर्ट वैसे ही फॉलो करती है। यही 141 है और कुछ नहीं है। बोलो सबके क्लियर है? प्रेसिडेंट क्या है? चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो वैसे ही आप किसी और को सिखाएं इस मेथड से, मेरे वाला मेथड फॉलो करो आप सभी चीज सीखने में। तो ये 141 है। हाँ जी बोलो, क्लियर है सबको? मैं मान लो सुप्रीम कोर्ट, आप छोटी कोर्ट, आप वैसे ही फॉलो करो। हाँ जी, 25th का आंसर क्या आएगा? इफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टू मेक रिक्वेस्ट फॉर अटेंडेंस ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट एट द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एड हॉक जजेस, तो ये बी आंसर है। प्रीवियस कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट की, एंड कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उनके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह जरूरी है। ठीक है, इसे गवर्नमेंट लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एक वर्ड यूज करते हैं, इसे एक वर्ड यूज करते हैं, वो कौन सा वर्ड है पता है किसी को? ऐसे कोई व्यक्ति एक काम अपनी ऑफिस को छोड़कर किसी ऑफिस दूसरे में शिफ्ट हो जाता है, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डेपुटेशन, बिल्कुल सही है अमित जी। ये ग्रेट सिक्सर, आज का सबसे लंबा सिक्सर ये माना जाएगा। और अमित जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से 10 लड्डू आपको नाम मिलते हैं। डेपुटेशन कहते हैं इसे। डेपुटेशन क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, डेपुटेशन है क्या? सपोज आप
आईपीएस लगे, आईपीएस आप दिल्ली में लगे हैं, ठीक है, आईपीएस आप दिल्ली में लगे हैं, ठीक है, डेलीगेटर मिला है आपको मान लो, ठीक है, तो आप जॉब पंजाब में करना चाहते हो, ठीक है, तो पंजाब में आप आके जॉब करके मान लो एसएसपी जलंधर लगे, एसएसपी जलंधर, ठीक है, तो आप को क्या बोला जाएगा कि आप किस पे गए हैं, डेपुटेशन पे गए हैं, डेपुटेशन पे गए हैं। डेपुटेशन में जरूरी नहीं होता कि कोई अपने रिलेटेड काम भी करना है, कोई और गवर्नमेंट का कोई भी काम, गवर्नमेंट आपको कहीं भी काम दे सकती है, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आपके फील्ड का ही काम लेना है, आपको आउट ऑफ फील्ड भी काम ले सकती है, बोलो ये चीज समझाई जा नहीं है। आउट ऑफ फील्ड हमने पढ़ा है किसी चैप्टर में कि आउट ऑफ फील्ड काम भी हो सकता है, ठीक है, कई बार तो शासकीय बना देती है, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है 356 तो वो आईएएस आईपीएस को दे देती है कि आप शासन चलाओ प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है, तो सारा काम ही उल्टा पुल्टा, उसको रियल शासक कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। हाँ जी, आईपीएस एम्बेसी में भी लगते हैं, आईपीएस एक फील्ड, बहुत सारे फील्ड है जिसमें वो काम कर सकते हैं, आईएएस भी ऐसा है, आप प्रधानमंत्री के साथ भी काम कर सकते हो, आप जिम में डीसी भी लग सकते हो, आप किसी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी भी लग सकते हो, ठीक है, आप फाइनेंस में काम कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, गवर्नमेंट में कहीं भी आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं। हाँ जी, तो डेपुटेशन में एक चीज है जो मैं ये बताना चाहता था कि जिस जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां के अथॉरिटी आपको मंजूरी देंगे, ठीक है, तो ये जरूरी है, ठीक है। हाँ जी, 26th का आंसर क्या आएगा? डी, रीजनल ज्यूरिडिक्शन है, 131, बिल्कुल सही जवाब है जी। 27 का आंसर क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, क्या मीनिंग होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का? बिल्कुल सही है, रिकॉर्ड ऑल द स्टेटमेंट्स फॉर टेस्टिमनी एंड एविडेंस, बिल्कुल शिवम जी आप सही कह रहे हैं, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से आप लोगों को लड्डू मिलते हैं, मतलब इनकी टेस्टिमनी और एविडेंस के लिए इन्हें रखा जाता है, तो ये आपका सिक्सर गिना जाएगा, आज का सबसे लंबा सिक्सर, किस आर्टिकल में, ये एक और सिक्सर आपका ऐड कर देंगे, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, किस आर्टिकल में लिखा है ये? 129, अमित का जे बीच में सिक्सर, और शिवम बिल्कुल सही कह रहे हैं, 129 बिल्कुल सही है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है भाई, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जो इसने कह दिया ये एविडेंस का काम करेगा और टेस्टमनी का काम करेगा और लॉ का भी काम करेगा, लॉ का भी काम करेगा, पता है ना लॉ का कैसे, जो सुप्रीम कोर्ट कह दे अपने, जो सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट देती है तो वो लॉ का भी काम करती है, लॉ चाहे बना चाहे वो नहीं बना। मैंने एक बार आपको क्लास में आपको बताया, कैन यू साइट मी द एग्जांपल कि कैसे लॉ का काम करता है, मैंने आपको क्लास में ये बताई है चीज कैसे, यही है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आर्टिकल 129 में ही है। हाँ जी, तो मैं किस किसकी बात कर रहा हूं,
क्वेश्चन ये है कि जो कोर्ट कोई रूल करता है, कोई रूल रूल करता है, कोई चीज का आदेश देता है, वो लॉ का काम करता है, ठीक है। तो मैंने क्लास में आपको एक बार बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी रूलिंग जिसने लॉ का काम किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ वो बाद में बनाया, तब तक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग चलती रही, वो कौन, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं किस 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 फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं? चलो मैं ही आंसर देना चाहता हूँ। विशाखा गाइडलाइंस सुना है किसी ने? विशाखा गाइडलाइंस बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है, पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है ये विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस क्या है कि जो भी वीमेन किसी ऑफिस में काम कर रही है तो उनको किसी ने परेशान नहीं करना, ठीक है। मतलब उसे परेशान बिल्कुल ना किया जाए, जितने भी उनके बॉस हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्हें कोई काम ना कहें, नहीं सॉरी काम तो कह सकते हैं, मतलब उसे परेशान नहीं कर सकते, ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइन ये फिर 2013-14 में ये लॉ बना, वीमेन सेक्सुअल हरास अगेंस्ट वीमेन सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2000 आई थिंक 13 है या 14 है, ठीक है 13 आई थिंक 13 या 14, आप चेक कर लेना। तो बहुत साल बाद पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ही काम चलता रहा, ये कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को। बोलो ये चीज समझाई जानी है। हाँ जी बोलो, ये चीज समझाया जानी है कि कोर्ट कोई बात कहता है तो वो लॉ का काम करती है, लॉ का काम करती है, इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है भाई ये। चाहे उस पे लॉ बनाए चाहे नहीं बना, आपने सुना होगा एक चीज मैंने आपको पॉलिटी में और कराई है कि कोई लॉ नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रूलिंग दी है, ठीक है, जो माननी पड़ रही है, मतलब ऐसी कोई रूलिंग दे भी सकते हैं। चलो 27 का आंसर क्या आएगा? इट डिलीवर जजमेंट इन ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट का कंसेप्ट मैंने करा ही दिया था आपको। ओपन कोर्ट का सबसे बड़ा क्या बेनिफिट है ओपन कोर्ट का? सबसे बड़ा बेनिफिट ओपन कोर्ट का, सबसे टॉप मोस्ट बेनिफिट क्या है सबसे ज्यादा? हाँ जी अभी तक एक ही आंसर आया, प्रोटेक्ट्स प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हाँ जी एक ही अभी तक आंसर आया, और कोई आंसर देना चाहता हूँ? आपको पता है ना ओपन कोर्ट क्या होता है कि जिस व्यक्ति पे एलिगेशन लगता है सारी दुनिया के सामने उस पे मुकदमा चलाया जाता है, ठीक है, सभी के सामने, ठीक है, और ट्रायल बिल्कुल फेयर होता है, मतलब जो सभी के सामने चलाया जाता है, ठीक है। मान लो मैं किसी का डिस्प्यूट 100 बंदे बुलाकर फिर मैं हल करता हूं, तो इट मींस के मैं कोई पार्शियलिटी नहीं कराऊंगा, ठीक है।
देखो टॉप मोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल जस्टिस। एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस, नेचुरल जस्टिस। देखो जो टॉप मोस्ट की बात करेंगे तो टॉप मोस्ट पे दो आंसर बनते हैं, एक तो कोमल का इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल, और एक जो सबसे टॉप मोस्ट मुझे लगा वो प्रोटेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल आंसर सही है शिवम का, ये एक और ग्रेट सिक्सर एंड दूसरा ग्रेट सिक्सर बाय कोमल। हाँ बिल्कुल दोनों आंसर सही हैं, आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। बाकी का भी सही है, बाकी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। अमित का आंसर आया, हरमन का आंसर आया, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। लेकिन जो टॉप मोस्ट है वो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बनाए रखना, क्योंकि जहाँ डिक्टेटरशिप होती है वहाँ कोई ओपन कोर्ट नहीं होती है, कहीं भी किसी को भी इसको फांसी दे दी जाए, इसके पत्थर मारे जाएं, तो वहां पे कौन सा कोर्ट लगाया जाता है? तो आप देखो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी मेंटेन करता है, सबसे बड़ी गल इम्पार्शियल, कि किसी के साथ ट्रायल बिल्कुल फेयर होगा, किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं किया जाएगा, लोगों के सामने जो सजा दी जाती है उसे गिल्टी करार दिया जाता है, कि कोई ऐसा ना कहे कि मुझे तो नोइंगली जज भी मेरे अगेंस्ट था, उसने मुझे जज इंडिया में जब अपनी वर्डिक्ट लिखता है तो वो लिखता है कि मैं इसे क्यों सजा दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्यों सजा दे रहा हूँ, तो इम्पार्शल होता है ये सारी प्रोसेस। तो ये बी बिल्कुल सही आंसर है, दोनों फैक्ट सही है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 28th का आंसर बताओ क्या है? कहते एक स्टेट का डिस्प्यूट दूसरी स्टेट के साथ सुप्रीम कोर्ट करेगी, बिल्कुल सही है। 29th का आंसर क्या आएगा? कहते पावर ऑफ जुडिशियरी रिव्यू मींस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू सेट असाइड बाय एग्जेक्टिव डिसीजन इफ इट इज अगेंस्ट स्टेचुटरी लॉ, ठीक है। कहते सेट असाइड बाय प्रोविजन ऑफ लॉ इफ इट इज कंट्रेरी टू द फंडामेंटल राइट्स, कहते जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो। एग्जामिन द कंस्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन एज वेल एज लेजिस्लेटिव प्रोविजन, स्ट्राइक डाउन इफ नॉट फाउंड अकॉर्डेंस विद द कंस्टिट्यूशन प्रोविजन। तो ये सी सही आंसर है, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव एक्शन और एग्जेक्टिव एक्शन ये दोनों को देखता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कार्यकारी एक्शन है उनपे भी रिव्यू लेता है, कोई लेजिस्लेचर एक्शन है उनपे भी रिव्यू लेता है, ठीक है, और जे कोई जुडिशरी का कोई कोई काम है उसपे भी रिव्यू ले सकता है या नहीं ले सकता? जुडिशरी अपने काम पे ही, अपनी कोर्ट्स के काम पे ही देख सकती है उन्हें कि नहीं देख सकती? नहीं, आप जुडिशरी का रिव्यू को समझे पहले, क्या होता है जुडिशरी का रिव्यू? देखो दो चीज होती है, पहले आप समझो, आपको क्वेश्चन नहीं समझाया। लेजिस्लेचर में क्या होता है कि लॉ मान लो गलत बन गया तो सुप्रीम कोर्ट उसे देखेगी,
ये लॉ कंस्टिट्यूशन के कंस्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। एग्जेक्टिव एक्शन को भी चेक कर सकती है, एग्जेक्टिव एक्शन कैसा है। ठीक है, मान लो उन्होंने कोई 100 पोस्ट निकाली किसी जॉब में, ठीक है, उनको सही रूल फॉलो नहीं किया गया, तो उसमें भी मानो कोई 100 पोस्ट निकली है, सरकार उसकी रिक्रूटमेंट गलत कर रही है, उन्होंने अखबार में नहीं दिया, पेपर में, न्यूज़पेपर में नहीं दिया, तो ये एग्जेक्टिव एक्शन होता है, तो इसमें भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये आंसर बनता है सी। बोलो, ये चीज समझाई या नहीं है? बोलो, ये एग्जेक्टिव एक्शन है, ये लेजिस्लेचर एक्शन है, कोई लॉ बनता है, जैसे एनजेईसी बना था, एनजेईसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बोलो, देखो सरकार कोई ऐसा काम करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट हो, ठीक है, तो उसपे भी वो रोक लगा सकती है, चेक लगा सकती है। मैंने एग्जांपल दी है वैकेंसीज की, मान लो 100 वैकेंसीज कोई पोस्ट निकली है, तो सरकार का एक्शन गलत था, उसे मतलब सही फिल कर नहीं किया उनने, ठीक है, पार्शियलिटी की कोई, तो उसपे भी एक्शन हो सकता है, ये एग्जेक्टिव एक्शन होता है। एक लॉ मेकिंग होता है, एक एग्जेक्टिव एक्शन होता है, एग्जेक्टिव एक्शन पे भी होता है जुडिशियल रिव्यू। हाँ जी, एग्जेक्टिव एक्शन क्लियर नहीं है सबको? हाँ जी बोलो, एग्जेक्टिव एक्शन इज क्लियर और नॉट? जैसे आप वैक्सीन वैक्सीनेशन कोई ले लो, उस पे आता हूँ मैं अभी, शुरू 2 मिनट वेट करो। जैसे कोरोना वैक्सीन पे लगा लो, ठीक है, कोरोना वैक्सीन मतलब सभी को नहीं लग रही, कुछ व्यक्ति को लग रही है, कुछ को नहीं लग रही, तो सरकार मान लो एक पॉलिसी बनाती है कि देखो हमारे पास वैक्सीनेशन की कमी है, हम पहले जो बूढ़े लोग हैं उनको लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या एग्जेक्टिव एक्शन है? ये सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये संविधान के उल्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के उल्ट है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, लाइफ तो सभी की खतरे में हो सकती है, वृद्ध की हो सकती है, बूढ़े लोगों भी हो सकती है, जवान की भी हो सकती है, तो सरकार को लगे कि ये गलत है एक्शन, ये एग्जेक्टिव एक्शन गलत है, ऐसी पॉलिसी गलत है, ठीक है, तो उस पे भी वो रिव्यू कर सकती है। बोलो, अभी समझ आया या नहीं आया? मैं आपको करंट ना जोड़ के बिल्कुल मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, अभी भी समझ नहीं आया तो फिर बहुत मुश्किल है आपको समझाना। कार्यपालिका का कोई एक्शन, ठीक है, जो ठीक ना हो, कोर्ट उस पे भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ऐसी पॉलिसी, ठीक है। हाँ जी, अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि ये एग्जेक्टिव पे भी ये चेक रखती है, ये लेजिस्लेचर पे भी चेक रखती है, क्या ये अपनी जुडिशरी पे भी चेक रखती है? ये मेरा क्वेश्चन है आपको। कैसे?
कैसे गेमिंग एग्जांपल? देखो वो तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को चेंज करती है, लेकिन चेक तो छोटी कोर्ट पे होगा ना। हाँ, प्रीवियस डिसीजन होर कोर्ट के चेंज कर सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी ना, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लॉ कर दिया था, सेम सेक्स मैरिज को। ठीक है, सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अगेंस्ट इसके फैसला दे दिया कि नहीं, हमारे देश में ऐसा कल्चर नहीं है सेम सेक्स मैरिज वाला, तो उन्होंने ये डिसीजन को चेंज कर दिया। मैं लेकिन इस चीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ जो सुप्रीम कोर्ट है, हाउ सुप्रीम कोर्ट पुट चेक ऑन द लोअर कोर्ट्स, उस पर भी कैसे रिव्यू करती है, ये कैसे रिव्यू लेती है छोटी कोर्ट्स का, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको करवाया ये चीज। देखो सू मैटर छोटी कोर्ट्स नहीं से नहीं आता, वो तो किसी कोर्ट में भी नहीं होता मैटर, सू मैटर तो किसी कोर्ट में भी नहीं होता। मैं जज हूँ, मुझे अखबार में कोई न्यूज़ पता चली तो मैंने वो केस उठा लिया। तो अभी तक जो सही आंसर आया है हरमन का, और ग्रेट सिक्सर बाय हरमन, हरमन आपका बहुत ही लंबा सिक्सर, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। बिल्कुल आपका आंसर सही है, और ये जोबनप्रीत सिंह का भी आंसर सही है, रेट्स बिल्कुल सही आंसर है। थ्रू रेट्स, प्रॉपर रेट्स कौन कौन सी हैं? एक है शर्शरी और एक है प्रोहेप्शन। ठीक है, वो रिव्यू लेती है छोटी कोर्ट के, कोर्ट से केस को रोक कर अपने पास बुलाती है, तो उन पे भी इनका चेक रहता है, जैसे जुडिशरी पे चेक रहता है, जैसे लेजिस्लेचर पे चेक रहता है, वैसे ही अपनी कोर्ट्स पे भी चेक रहता है। बिल्कुल सही है ये, ग्रेट सिक्स बाय हरमन एंड जोबनप्रीत, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, शर्शरी एंड प्रहप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट आंसर बताएं, नेक्स्ट आंसर। कहते हैं 143 के तहत एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दी, क्रोनिकल्स केन्स क्या है, तो ये क्रोनिकल्स केन्स ही है, 1, 2, 3, 4, दिल्ली लॉज एक्ट, बीरोबार यूनियन, सी कस्टम एक्ट एंड स्पेशल कोर्ट्स बिल, इन पे सब सुप्रीम प्रेसिडेंट ने एडवाइज है जो ली है। 31 का आंसर क्या आएगा? तो बिल्कुल सही आंसर है, पार्लियामेंट इसकी यूरिसडिक्शन इंक्रीज कर सकती है। मैंने आपको क्लास में भी एक दिन बोला था, शायद मैंने आपको कराया था, किस चीज की यूरिसडिक्शन नहीं होती, मैंने आपको ये, वैसे तो सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, हर चीज की यूरिसडिक्शन होती है। आप आईपीएस लगेंगे, आपको एक एरिया दिया जाएगा, आप उस एरिया में काम करेंगे, आप आईएएस लगेंगे, आपको डीएम बनाया जाएगा या डीसी लगाया जाएगा, आप एक डिस्ट्रिक्ट में ही काम करेंगे, आपकी कलम उस डिस्ट्रिक्ट में चलेंगी, उसके बाहर नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन वो कौन सी यूरिसडिक्शन है यहाँ जो किसी कंट्रोल में नहीं होते हैं? वो कौन सी यूरिसडिक्शन है, किस चीज की कोई यूरिसडिक्शन नहीं होती?
हाँ जी, पता है किसी को? किस चीज की यूरिसडिक्शन नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं। चलो सुनो आंसर मेरे से, प्यार की कोई यूरिडिक्शन नहीं होती। वो प्यार बॉर्डर नहीं जानता। हाँ जी, पता पंजाबी लिटरेचर वाले हैं आप में से कौन कौन है? पंजाबी लिटरेचर वाले, पंजाबी लिटरेचर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा हो? कौन कौन है पंजाबी? एक गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी को जानते हैं आप? निबंधकार है गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी। उनका एक निबंध है, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी कनाडा में जाता है, वहां पे एक छोटी सी बच्ची होती है, उसका नाम होता है लिली। तो वो लड़की कनाडा का बर्थ होता है वो, ठीक है। उन्होंने कभी पगड़ी वाले सरदार नहीं देखे तो उनको डर लगता था पहले, छोटी बच्ची थी 10-12 साल की। तो फिर वो जब राइटर से मिलती है, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी से वो मिलती है, बच्चों के से इंटरेक्ट होते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, ठीक है। तो फिर वो उनका डर दूर हो गया, जब बच्चों से वो खेलते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है, तो उनका डर दूर हो जाता है कि ये तो कोई भूत प्रेत नहीं है, ये तो इंसान है, ये पगड़ी वाले जो सरदार हैं ये तो इंसान है, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। जब गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी का टूर होता है, जब वो वापस आने लगता है, तो लिली उन्हें गलवकड़ी पा लेती है, अम्ब्रेस कर लेती है, कहते हैं कि नहीं जाना आपने, यहीं रहना है। तो फिर गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी देखता है कि हे प्रीत, तू कौम नहीं देख दी, तू देश नहीं देख दी, ठीक है, तू जिदे नाल आनी है उससे नाली लग जानी है, तो इसलिए किसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती। लव की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती। तो एक महाराष्ट्र का लड़का फेसबुक पे अटैच था पाकिस्तान में, ठीक है, उनको बॉर्डर ही नहीं दिखा, वो इधर से क्रॉस कर गया बॉर्डर, ठीक है, क्योंकि वहां फेसबुक पे किसी लड़की के साथ वो अटैच था, ठीक है, वो यूरिसडिक्शन ही भूल गया बेचारा, ठीक है। अब जेल यात्रा में है, पाकिस्तान वाले उसकी दिन रात पिटाई करते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं ये तो जासूस है, वो कहता है नहीं मैं प्रेमी हूँ, वो कहते नहीं जासूस है। उसके मम्मी डैडी इंडियन गवर्नमेंट से काफी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि फेक बुक की वजह से हमारा बेटा पाकिस्तान चला गया, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, कई बार ज्यूरिसडिक्शन नहीं देखी जाती। हाँ जी, 32 का आंसर क्या आएगा देखो।
सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई, लेकिन रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट के लिए नहीं है, रिटायरमेंट के लिए है। कितनी है रिटायरमेंट के लिए? इससे ज़्यादा काम नहीं करेगा, 65। बिल्कुल सही है, अपॉइंटमेंट की कोई नहीं है। ठीक है, 33 का आंसर क्या है? हाँ जी, 33 का डी आंसर है। सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है अपनी ओन जजमेंट, क्योंकि बहुत बार उन्होंने चेंज की है। हाईएस्ट कोर्ट बाइंड्स ऑल सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बाय इट्स ओन जजमेंट, तो हाईएस्ट कोर्ट्स बाइंड्स करती है ऑल सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को बाय ओन जजमेंट, और आर ट्रू है, बिल्कुल सही है। देखो, बाकी छोटी कोर्ट्स को माननी पड़ती है। ठीक है, तो यही मैंने कराया था आपको, 141। सभी को शायद समझ आ गया होगा, नहीं तो आप एक बार वीडियो फिर देख लेना। ठीक है, हाँ जी, 34 का आंसर क्या आएगा? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, किस आर्टिकल में लिखा है ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ? 21, बिल्कुल सही है। ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम, अमित, सारा, जोबन, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये केस लॉ की बात करें तो कौन कौन से केस में ये प्रोसीजर की बात की है, प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। मेनका गांधी केस है, और एक केस और है, कौन सा केस है वो? गोपालन, गोपालन वाला केस। ठीक है, ए के गोपालन केस, ए के गोपालन। कौन सा आर्टिकल प्रोसीजर की बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको थोड़े दिन पहले डिस्कशन हुई है, जो प्रोसीजर की बात करता है, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा आर्टिकल प्रोसीजर की बात करता है? सभी को पता है, लेकिन शायद आप, मुझे लगता नहीं कि आप बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन पता सभी को है, उस आंसर का पता सभी को है। चलो मैं इसका आंसर देता हूँ, आर्टिकल 311, सुना है आपने? हाँ जी, ये कहता है किसी आईएएस आईपीएस किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को हटाना है तो प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉलो द प्रोसीजर, प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे तो आप हटा नहीं सकते। बहुत डिस्कशन हुई थी एक दिन इसकी, इसमें कौन किसको प्रोटेक्ट करता है, ये स्टेट वालों को करता है या नहीं करता, शायद आपके याद नहीं है, लेकिन मेरे तो याद है भाई। याद है क्या? भूल गए? हाँ जी, 35 का आंसर क्या आएगा? बी, बिल्कुल सही है, रेट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है ये। 36 का आंसर क्या आएगा?
हाँ जी 37 का आंसर क्या है, सॉरी 36 का। सुप्रीम कोर्ट पावर टू इश्यू रेट इज नैरोर देन हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है जी। हाई कोर्ट में कोई भी रेट डाली जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो रेट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट ही के, जो फंडामेंटल राइट की वायोलेशन होती है फिर रेट डाली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिटीजन इज फ्री टू अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज ही चूजेस व्हेन एवर इज फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड, बिल्कुल सही है जी। तीसरा, लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट बैनिंग ऑल कोर्ट थ्रू आउट ऑफ इंडिया, तो ये तीनों सही है, सी आंसर आएगा। 37 का आंसर क्या आएगा, पहली गलत है। इट हैज द पावर टू एंटरटेन अपील फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल विद इन द इंडिया, तो भाई कोई किसी भी कोर्ट की अपील ये नहीं ले सकता, या ट्रिब्यूनल की नहीं ले सकता, डायरेक्टर नहीं ले सकता ये, ठीक है। इट हैज द पावर टू एंटरटेन अपील फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल विद इन द इंडिया, ये गलत है। सिर्फ किसकी अपील एंटरटेन करेगा ये, हाई कोर्ट की, ठीक है, या ट्रिब्यूनल की, सभी कोर्ट्स की नहीं, सभी कोर्ट्स की नहीं, ठीक है। एनी कोर्ट लिखा ना मैंने, एनी कोर्ट ये गलत है, ठीक है। हाँ जी वही, ओनली हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में भी आल्सो, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल, ठीक है, लेकिन सभी ट्रिब्यूनल की नहीं, कुछ ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट में जाया जाता है, ठीक है। इट हैज द पावर टू डिलीवर एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट, हाँ ये बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट को 143 के तहत ये एडवाइस करता है। सैलरी ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट आर सब्जेक्टेड टू वोट बाय द पार्लियामेंट, भाई ये कहाँ से सही आ गया, तो ये गलत है, तीसरा भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी तीसरा भी नहीं है, क्योंकि वोट तो पड़ती नहीं है जजेस के सैलरी पे, वोट नहीं पड़ती। ठीक है फोर्थ, इट्स ज्यूरिडिक्शन इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स विद इन द इंडिया, ये सही है। तो आंसर क्या सही आए, दो नंबर एंड चार नंबर, इसका आंसर क्या है, बी है, बी, पहले वाला गलत है। पहले वाला क्यों गलत है, एनी कोर्ट बोला उन्होंने, एनी कोर्ट नहीं है, ठीक है। ये अपील, अपील तो समझते हैं ना आप, अपील स्टेप बाय स्टेप होती है, पहले गांव में, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट के बाद फिर फाइनल सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट छोटी कोर्ट से अपील को, एंटरटेन का मतलब एक्सेप्ट करना होता है, इंग्लिश में एंटरटेन का मतलब और कुछ होता है, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में एंटरटेन का मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है। मैं आपको थोड़ी इंग्लिश भी बता देता हूँ, एंटरटेन का मतलब एक्सेप्ट होता है, स्वीकार करना, लेना। आप मुझे एप्लीकेशन दे रहे हो कोई, तो मैं उसे स्वीकार कर लूँ, पकड़ लूँ, उसे एंटरटेन कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये गलत है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है, एनी कोर्ट, सबको पहली स्टेटमेंट के बारे में क्लियर है, हाँ जी पहली स्टेटमेंट के बारे में पता चल गया सबको। चलो आज की पॉलिटी की न्यूज़ बताऊं, हाँ जी पॉलिटी की कोई न्यूज़,
चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बेसिक्स क्वेश्चन है। इनमें से कौन सबसे ऊपर है, मतलब सबसे सुप्रीम कौन है, लोग, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट? देखो एक हरमन का आंसर आ गया, लोग, पीपल, बाकी सब कंसीशन कह रहे हैं। चलो इसका आज फैसला कर ही देते हैं। प्रैम्बल के मुताबिक हु इज मोर पावरफुल, किस वर्ड से पता चलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया एक और वर्ड है। वी अडॉप्ट आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 और एनएक्ट आर सर्विस। हम आज इस डेट को हम ये अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने आप पे ये संविधान को लागू कर रहे हैं, ठीक है? तो ही हु इज मोर पावरफुल, अवाम, लोग, पीपल इज मोर पावरफुल। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी है, उसका नाम है अवाम। ये 1987 की बनी है, 1987। मैं, हाँ जी, हियर बाई अडॉप्ट एंड एनएक्ट एंड एड टू आवर सेल्व विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि आज हम संविधान को अडॉप्ट करते हैं, इसे लागू करते हैं और अपने आप को देते हैं। तो मैंने मूवी देखी अवाम, ठीक है? तो चलो मैं आपको मूवी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बड़ा देख का मजा आया, ठीक है? थोड़ा जीके बेस्ड मूवी है, ठीक है? फॉरेन पॉलिसी से भी रिलेटेड है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? अब बस सॉन्ग नहीं देखने आपने, ठीक है? तो आपको टाइम मिले तो आप देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है? तो आपको बहुत कुछ तो सीखने को मिल जाएगा। तो बहुत आज के लिए। हाँ जी, काफी आज के लिए, बाकी कर लेंगे हम। आवाम का क्या फैसला है? हाँ जी, आवाम क्या चाहती है? हाँ जी, चलो ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलेंगे।